बुढ़ापे में किसी की उपेक्षा मत करिए। अरे पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल ना दे तो ना दे, छाया तो देता रहेगा। अपने घर में बुजुर्गों को अरे हर समय फल की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी तपन पड़ती है तो छाया की भी जरूरत पड़ा करती। बूढ़ा पेड़ छाया तो देता है ना। बुढ़ापा दो तरह से आता है, एक तो उम्र से बुढ़ापा आता है और दूसरा बुढ़ापा आता है उपेक्षा से। उम्र से बुढ़ापे तो सबको आते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब अपनी ही औलाद और अपना ही खून जब अपनी उपेक्षा करता है तो आदमी समय से पहले बूढ़ा हो जाया करता है, खुंखली हो जाती है जिंदगी। जब अपनी ही लगाई हुई बेल जब अपने को ही काटने लगे और अपने ही उड़ाए हुए परिंदे जब अपने को ही नोचने लगे, ध्यान रखना, और अपनी ही बनाई हुई बिल्डिंग जब अपने ही ऊपर गिर जाए, अपनी औलाद अपनी उपेक्षा करे। आज घर घर में बूढ़े मां बाप की उपेक्षाएं हो रही हैं। मेरे भाई बुजुर्गों का सम्मान करो, उनका आशीर्वाद लो। बूढ़ा था, बुढ़ापा क्या है, एक जंग लगा लोहा और कुछ नहीं है। बुढ़ापा, बुढ़ापा और बीमारियों का घर, एक जंग लगा लोहा है बुढ़ापा। फर्क इतना है कि लोहे पर जंग बाहर से लगता है और जिंदगी को जंग भीतर से लगता है। और लोहे पर जंग कब लगता है, जब पानी की मार पड़ती है, और जिंदगी को जंग तब लगता है जब अपनी ही औलाद की हम उपेक्षा के शिकार होते हैं। अरे भाई बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेट मार्क मिल जाएगा बाजार में, लेकिन भीतर की जंग को मिटाने के लिए कोई कंकाल हो गया सूख के वह बूढ़ा। दो बेटे थे उसके, दोनों बेटे उसे घर में रखना नहीं चाहते थे, ना बड़ा बेटा ना छोटा बेटा। क्या बात है, कैसा जमाना आ गया कि बाप अपने चार बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देता है, लेकिन चार बच्चे मिलकर के बाप को बुढ़ापे में घर में नहीं रख सकते। कितनी मेहनत मशक्कत करके एक बाप चार बेटों को पाल लेता है, पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, लेकिन बुढ़ापे में वही चार बेटे अपने बाप को दो रोटी थाली में रखने को तैयार। आज घर घर की कहानी यही है। और ये मत सोचना कि हमारा घर बहुत अच्छा है, बेटा कब पड़ोसी बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। कब उसका मन बदल जाए, मन को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगता। आज बेटा श्रवण कुमार है, कल बेटा तुम्हारे जीवन का घातक भी हो सकता है। आज घर का रोशन है, कल घर का, आज कुल दीपक है, कल कुल अंगार भी हो सकता है। बहुत दुखी था वो बुढ़ापा, और बुढ़ापा उसके बाद यदि पत्नी मर जाए तो डबल दुख हो जाता है। ध्यान रखना, ये नारी तो विधवा का जीवन जी लेती है, बुढ़ापा काट लेती है, बिना पति के भी जिंदगी गुजार लेती है, लेकिन ये पुरुष बुढ़ापा बिना पत्नी के काटना इसके लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाए करता है। ये नारी तो ममता के सहारे जी लेती है, लेकिन वह बूढ़ा जिसकी पत्नी नहीं है उसकी घर में कितनी उपेक्षाएं होती हैं। ध्यान रखना, विधवा का जीवन आसान है लेकिन विदुर का जीवन आसान नहीं हुआ, बहुत कठिन काम। मेरे मुंबई में एक भक्त है, नाम खोलना नहीं चाहूंगा, बहुत धनपति है, बहुत दौलत है उनके पास, इतनी दौलत की एक दिन 2 बजे मेरे कमरे में आए, दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा कौन, बोले मैं आए
दर्शन किए। मैंने कहा 2 बजे दर्शन कर रहे हैं, अभी अभी होटल से आया। तो मैंने कहा कि खाना खा लिया बाबूजी? आंखें छल छल आ गई उसकी। बोली महाराज आज 15 साल पहली बार किसी ने पूछा है कि खाना खा लिया क्या। अरे मैंने कहा इतने बड़े सेठ, इतने धनपति। बोले महाराज 15 साल पहले मेरी बीवी की मौत हो गई, आज अपने 2 बेटों के बीच में परायों जैसा जीवन जी रहा हूं। दिन भर होटल में बैठता हूं, दुकान में बैठता हूं, उसके बाद भी मुझे याद आता है छल छल आ गई उस बूढ़े की आंख कि जब मेरी पत्नी थी तो 10 बार फोन आते थे कि जल्दी आओ मुझे खाना खाना है, कब आओगे, कितनी देर में लौट करके आओगे। 10 बार फोन आते थे तब मैं जाकर खाना खाता था। महाराज पत्नी इतना चाहती थी कि जब तक मैं ना खा लूं तब तक वो भी भूखी बैठी रहती थी। अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है महाराज, हाँ बहुएं हैं, पत्नी के बाद एक भी फोन नहीं आता है। बहुएं भोजन कर लेती हैं, रख देती हैं, नौकरानी से कहती हैं बाबूजी तो रोज की आदत है लेट आते हैं, खाना निकालना खिला देना उनको। आज तक बहू ने ये नहीं पूछा कि बाबूजी रोटी खाई है या नहीं खाई है। रात को लेट आऊं तो कोई परवाह नहीं है, जिस दिन ना खाऊं तो कोई परवाह नहीं है। एकाकी जीवन बहुत बुरा हुआ करता है मान्यवर। मैंने कहा ना कि बिना पत्नी के बुढ़ापा बहुत दुखदायी हुआ करता है। अरे पत्नी जैसी होगी पति का ख्याल तो रखती है ना, बहुएं ख्याल नहीं रखती है। बूढ़े की भी यही हालत थी, कोई नहीं पूछता उसको। उन 2 बेटों को उसने पढ़ाया लिखाया, एक को डॉक्टर बनाया एक को वकील बनाया, लेकिन दोनों बेटों ने बुढ़ापे में अपने स्वार्थ का प्रमाण पत्र उसके हाथ में थमा दिया। थके बैल कोई बाट ना पूछे फिरता गली गली, थक गया रिटायरमेंट। डॉक्टर और वकील जिसकी औला नहीं, मैं डॉक्टर शीला और वकील पुष्पा की बात नहीं कर रहा, ध्यान रख इन दो की भी जोड़ी है सही है, लेकिन घर में तो अच्छे हैं। उपेक्षित हो गया पूरा घर में, कितनी पीड़ा होती होगी जब अपने ही घर में परायेपन का बोध सताता होगा। और ये बहुएं जब पड़ोसों से तो अच्छे बात करती हंसती हैं, मैं घंटों घंटों मोबाइल पे बात कर रही हैं, सहेलियों से बात कर रही हैं, पीहर में बात कर रही हैं, लेकिन घर के बूढ़े को दोनों बहुएं फूटी आंख भी नहीं सुनाती। जो आंखों के तारे थे उनको अब वो बूढ़ा फूटी आंख नहीं सुनाता, बहुत दुखी हो गया। अरे बूढ़े माँ बाप तो वो होते हैं मेरे भाई, जननी और जनक को इस देश में हृदय के आसन पर विराजमान किया जाता है। जननी और जनक को कहा है कि जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, कहां गए वो सूत्र। आज माँ बाप डोरमेट बन करके रह रहे हैं घर में, ऐसे रहते हैं जैसे कोई यूजलेस सामान किसी घर के कोने में फेंक दिया गया हो। मैंने उस बूढ़े से पूछा कि अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हो, जानते हो बूढ़े ने बड़ी प्यारी बात कही, महाराज रहता तो मैं बच्चों के साथ हूं मगर ऐसे नहीं रहता जैसे बच्चे कभी मेरे साथ रहा करते थे। बहुत एक बहू से एक बेटे से मैंने पूछा कहां रहते हो, बोले जयपुर में। मैंने कहा माँ बाप, बोले मेरे साथ रहते हैं। ये जिंदगी है तुम्हारी, बोले क्या करें महाराज बूढ़े हैं साथ में रखना पड़ता है। मैंने कहा रखना पड़ता है, ये जिंदगी है तुम्हारी। वो बेटा कभी आदर्शवान नहीं हो सकता जो कहता है कि बूढ़े माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। आदर्शवान बेटा तो वो होता है जो कहता है हम अपने माँ बाप के साथ। बात
वही है, लेकिन बात में बहुत अंतर है। एक तो ये कहो कि सास ससुर मेरे साथ रहते हैं, और एक आदर्श वो है कि हम अपने सास ससुर के साथ रहा करते हैं। माँ बाप तुम्हारे साथ रहे तो माँ बाप की मजबूरी है, और तुम माँ बाप के साथ रहो तो ये बेटे का धर्म हुआ करता है, बेटे का कर्तव्य और फर्ज हुआ करता है। माँ बाप तुम्हारे साथ रहे ये तो विचारों की मजबूरी हो गई। नहीं, तुम माँ बाप के साथ रहो तो तुम माँ बाप का गौरव नहीं बढ़ाओगे, बल्कि अपने बेटे होने का गौरव बढ़ा दोगे। शब्द वही है। बहुत दुखी हो गया बूढ़ा, रोज झगड़े होते, रोज कलह होते। अब बुढ़ापे में बिचारा जाए तो जाए कहां, बहुओं के ताने सहता, बच्चों की उपेक्षाएं सहता। सोचता कि मैंने किसके लिए वरदान मांगे थे भगवान से, मुझे औलाद नहीं होती थी तो जगह जगह मन्नत मांगी थी, मंदिरों में जाके दुआएं मांगी थी कि एक औलाद हमें हो जाए, और आज परमात्मा ने वरदान दिया। लेकिन आज इस बूढ़े को लग रहा है कि जो हाथ की लाठी बनना था, और जब वही लाठी अपना सर फोड़ने लगे तो उसे लगता है कि पुत्र प्राप्ति का ये वरदान किसी अभिशाप से कम नहीं हुआ करता है। इससे अच्छा तो आज इस बूढ़े को लगा कि निपुता ही रहता तो जिंदगी तो अच्छे से जीता। मान्यवर, घर घर में यही चल रहा है, या तो एडजस्टमेंट करके बूढ़े रह रहे हैं, खांसते थूकते भी डर रहे हैं अपने घर में, खकारते हुए घर में डरते हैं, बहू बेटे ऑफिस से आ जाएं तो सहमे सहमे सी जिंदगी जीते हैं। मान्यवर, मां बाप की क्या सोचते हो, ध्यान रखना। इस बात्सल्य धाम सभागार में आकर मां बाप पर सुनना बहुत आसान है, मां बाप पर बोलना बहुत आसान है, लेकिन सच्चे बेटे बनकर मां बाप की सेवा करना ही बहुत कठिन काम हुआ करता है। केवल सुनो मत, कुछ सीखो, जीवन में बदलाव लाओ, परिवर्तन लाइए, नहीं तो क्या काम का तुम्हारे वो मां बाप के सपने। अरे मेरे महावीर तो ऐसे हुए इस धरती पर जिन्होंने अपनी माता त्रिशला के 16 सपनों को साकार करके दिखा दिया। महावीर ऐसी संतान जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 16 सपनों को साकार कर दिया। तुम ये बेटे महावीर जो 16 सपन साकार करते हैं, तुम अपने मां बाप का एक सपना साकार। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत, प्रज्ञ पुरुष, स्थित प्रज्ञ, बड़े आदर से मैं उनका नाम लेता हूं।